लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं और भारतीय सेना के मुताबिक उनके 3 जवान, जिसमें से एक कर्नल रैंक के सीनियर अफसर शामिल हैं, उनकी मौत हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर पिछले कई हफ्तों से टेंशन्स बने हुए हैं। इसी सिलसिले में हमने कुछ दिन पहले बात की थी, भारतीय थल सेना के पूर्व चीफ जनरल VP मलिक से उनसे पूछा था कि आखिर इस इलाके में एकाएक ये तनाव बढ़ने की वजह क्या है। पहली तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है LAC के एरिया में, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से। और अभी रिसेंटली जो वहाँ पर एक श्योक रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया था आर्मी इंजीनियर्स ने, उसकी इनॉग्रेशन भी की थी हमारे रक्षा मंत्री ने। और ये जो एरिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइनीज भी कभी कभी उसको अपना दिखाते हैं, अपना मानते हैं। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको इस रास्ते से श्योक टू डेराबाग टू दौलत बेग ओल्डी, और फिर यही रास्ता आगे कराकोरम पास तक जाता है जी। तो ये काफी सालों से बन रहा है, ये नया रास्ता नहीं है। जनरल VP मलिक से हमने ये भी पूछा था कि जो LAC है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो एक इमेजिनरी बॉर्डर है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर देखें तो भारतीय और पाकिस्तान सीमा पर जो बॉर्डर है उसको LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं है। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आखिर चाइनीज जो आर्मी है जिसको PLA कहते हैं, उनकी वहां पर ऑपरेशंस की क्या स्ट्रेटजी रहती है बॉर्डर के इन पहाड़ी इलाकों पर। चाइनीज की कई जगह पर खासकर कोशिश रही है कि वो क्रीपिंग जो मिलिट्री एक्टिविटीज हैं उस एरिया में, जो वो अपना मानते हैं और जो हम समझते हैं कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। और पहले भी ये कोशिशें हो चुकी हैं, और तो इसके साथ में ये भी मैं समझता हूँ कि उनकी ये भी वजह है जी। और तीसरी वजह मैं समझता हूँ कि जब हमने जम्मू एंड कश्मीर में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली की थी और हमने आर्टिकल 35A जो लगाया था, तो उस वक्त चाइना ने खास बोला था कि ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि उनकी पाकिस्तान के साथ में अलायंस है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है। हाल के दिनों में चाइना और वुहान में जो COVID-19 यानी कोरोना वायरस का जन्म हुआ, उसके बाद से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और ग्लोबल सिनेरियो में चाइना का खासा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और जाहिर सी बात है, उसके साथ साथ भारतीय चीन संबंध पिछले 1.5-2 महीने में मिलिट्री के अलावा भी इकोनॉमिक्स में थोड़े ऊपर नीचे रहे हैं, क्योंकि चाइनीज कंपनियों ने शुरू में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था और फिर भारत ने एकाएक FDI नॉर्म्स अपने टाइट कर दिए। ये सब कुछ हाल फिलहाल के लॉकडाउन के बीच में हुआ। तो जनरल मलिक से मैंने पूछा कि क्या ये भी एक वजह हो सकती है। तो आप देखेंगे कि उस क्रिटिसिज्म को मुकाबला करने के लिए उनकी नॉन सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर की एक्टिविटी ज्यादा हो रही हैं, और उनकी जो मिलिट्री एक्टिविटीज भी जो हैं वो भी ज्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि कई वजह से हम देख रहे हैं कि चाइना हमारे अगेंस्ट चल रहा, हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं। देखिए, FDI जहाँ से भी हम लेते हैं, जो भी कंट्री लेती है, उसको दूसरी कंट्री के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी जो है वो भरोसा टूट रहा है, ट्रस्ट टूट रहा है, और उसी की वजह से चाहे वो 5G का मामला है या बाकी और FDI के मामला है, तो वो इंडिया गवर्नमेंट ने सोच समझ के उसके ऊपर रोक लगा दी है। तो आपकी बात सही है, ये इंटरनेशनल जो डायनामिक्स चल रही हैं, खासकर चाइना के रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ में, ये भी एक बड़ी वजह है।